here on the slopes of hills, facing the dusk and the canon of time, close to the gardens of broken shadows, we do what prisoners do and what the jobless do. We cultivate hope. तो ये उम्मीद ही है और उम्मीद के साथ में कुछ कुछ काम है. जब ख्वाब तन्हा कलेक्टिव शुरू किया आपने तो आपके काम में ज़्यादातर उर्दू पोएट्स ही हैं और उसके बाद हिंदी के राइटर्स हैं और इस बार का जो हम कैलेंडर देख रहे हैं उसमें फिलिस्तीनी राइटर्स भी हैं, उसको डेडिकेट किया गया है पूरे स्ट्रगल को. क्या आइडिया था ख्वाब तन्हा कलेक्टिव शुरू करने का, कब शुरू किया और क्या जर्नी अभी तक की रही है 2023-24 तक की? बहुत पहले से ही उर्दू शायरी जो है घर में हमारे उसका एक माहौल रहा है. वाले साहब उर्दू के टीचर रहे, बहन को गज़लें सुनने का बहुत शौक़ था और वालदा के हाथ में भी हमने किताब देखी है कई बार. और ये था कि हम बचपन में देखते थे कि ज़्यादातर वेस्ट के राइटर्स हैं, उनके बड़े अच्छे हमें पोस्टर्स और बुक कवर्स और इस तरीके की चीज़ें दिखती थी और हमारे उर्दू और हिंदी के राइटर्स का इस तरीके से कुछ मामला सामने नज़र नहीं आता था. तो और मैं कुछ कुछ अपना ड्राइंग तो करता रहता था, उसके साथ साथ कभी कुछ शेर सुना तो वो लिख दिया और कभी ग्रीटिंग के तौर पे दोस्तों को दे दिया और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ने लगी. और ये है कि वो ज़मीन में पेट्रोल तो बहुत पहले से बनता रहता है लेकिन वो पेट्रोल पंप किसी एक ख़ास तारीख पे लगा दिया जाता है. तो वो ख्वाब तन्हा का सामान बहुत पहले से जो है जहन और दिल में जमा हो रहा था और कोई 8-9 साल पहले जो है वो शुरू किया ख्वाब तन्हा कलेक्टिव. और बेसिक आइडिया यही था कि हमारे जो लिटरेरी आइकन्स हैं उनको पॉप कल्चर में सेलिब्रेट करना. तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझूं, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझूं, आंखों को अब न ढाप मुझे डूबते भी देख, आंखों को अब न ढाप मुझे डूबते भी देख. कैसी रही है जर्नी अभी तक की? क्या मुश्किल होता है ये काम करना? फाइनेंशियली कितना मुश्किल होता है, लॉजिस्टिकली कितना मुश्किल होता है, अगर होता है तो? नहीं होता है तो आप कह दीजिए कि बहुत आसान है. हाँ, एक तो ये रहा इसमें मामला कि जब ख्वाब तन्हा शुरू किया तो बेचना प्राथमिकता नहीं थी कभी से. उसकी वजह यह है कि अभी तक वो वेबसाइट भी पाइपलाइन में ही है और अगर आप पेज पे जाते हैं तो कहीं भी कुछ नहीं लिखा है कि यहाँ से ख़रीदें या ऐसा कुछ. तो जब भी हम अलग अलग फेस्टिवल्स में जाते हैं लिटरेरी फेस्टिवल्स के अंदर तो लोगों का जो उससे जुड़ाव है और ताल्लुक़ है वो बहुत दिलचस्प होता है देखना. और किसी एक साहब ने ये बात कही एक बार हमसे, शायद हम जयपुर लिट फेस्ट में थे, कि आपके काम ने हमारे दिल में वो जगह भर दी जो हमें ख़ुद भी नहीं मालूम था कि खाली है. तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप काम करते हैं, लोगों के बीच में लाते हैं और वो अलग अलग अंदाज से फैलता है. स्कूल के टीचर्स जो हैं वो आते हैं, देखते हैं, छोटे स्कूल के बच्चे जो हैं चीज़ें लेकर जाते हैं और कॉलेज में कई लोगों ने ये भी दिखाया कि देखिए हमने ये नकली कॉपियां निकाल निकाल के अपने हॉस्टल की दीवारों पे लगा रखी हैं. तो मुझे वो भी बहुत दिलचस्प लगता है. ये वो नज़्म है कि जब आप अपना नाश्ता तैयार कर रहे हैं तो कबूतरों के खाने को भी मत भूलिए. थिंक ऑफ अदर्स, महमूद दरवेश की नज़्म है. इस बार का जो कैलेंडर है डेडिकेट किया है आपने जो फिलिस्तीनी स्ट्रगल है उसको, क्यों आपको ज़रूरत लगी ये करने की और
फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में क्यों हर किसी को बात करनी चाहिए, या आप पर्सनली क्या सोचते हैं? हाँ, एक तो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि वो सिलेक्टिव एम्पैथी से बचें, और दूसरा हर आर्टिस्ट जो है ना अपने वक्त को रिफ़्लेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो शायर हो या पेंटर हो या कोई और। और बहुत सारे लोगों को संतोष इस चीज़ से हो जाता है कि भाई हमने फ्री पैलेस्टाइन की अगर डीपी लगा ली है तो वही काफ़ी है। हमें लगा कि वो उतना काफ़ी नहीं है, और लगा कि जो उनकी स्ट्रगल है और जो पूरी फाइट है और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो हमारी एक तो जो पब्लिक की याददाश्त है ना वो थोड़ी से जल्दी वो हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और तो मुझे लगा कि वो याद रखने के लिए कैलेंडर एक ऐसा ज़रिया हो सकता है कि हर महीने जो है आपको जहन में रहे कि ऐसा कुछ कहीं हो रहा है। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी वो नहीं होती अक्सर जो चल रही है, बल्कि आपसे अलग जो घट रही है वो ज़िंदगी होती है। तो और ये जो सारी चीज़ है कि हम वेस्ट पे हम एक यकीन करते थे कि वो बड़ा शांति प्रिय जो है वो दावे करता है, वो सारे दावे खोखले हो गए। और मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट चाहे मैं ये ज़रा से बाल बराबर कुछ एफर्ट करूँ इस चीज़ को लोगों के सामने लाने के लिए या और उसके एक नया रूप से दिखाने के लिए, तो इसको जहन में रखते हुए इन तमाम चीज़ों को रखते हुए कैलेंडर किया। तो ये महमूद दरवेश की नज़्म है, उसका टाइटल है फ़िक्र बग़ैर थिंक ऑफ अदर्स। तो यही हमने जो है डेडिकेट किया है उन लोगों के को। तो इसमें हिंदी उर्दू के शायर भी रहे हैं, जैसे मुक्तिबोध हैं, तुम्हारी प्रेरणाओं से मेरी प्रेरणा इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नज़्म का एक हिस्सा है कि देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता। महमूद दरवेश, इफ द ऑलिव ट्रीज न्यू द हैंड्स दैट प्लांटेड देम देयर ऑयल वुड बिकम टीयर्स। पाश हैं, सबसे ख़तरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो और फैज़ अहमद फैज़ ऑफ कोर्स, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ये एक बड़ी नज़्म है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है कि वी शैल रिमेन लाइक अ वॉल अपॉन योर चेस्ट। तौफीक ज़ियाद का है ये, इन लिड्डा इन रमला इन द गैलिली वी शैल रिमेन लाइक अ वॉल अपॉन योर चेस्ट एंड इन योर थ्रोट लाइक अ शार्ड ऑफ ग्लास अ कैक्टस थॉर्न एंड इन योर आई अ सैंड स्टॉर्म। फिर निज़ार कब्बानी कहते हैं कि द मोस्ट डेंजरस हार्ट डिजीज़ स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो और आखिर में ये एक बड़ी नज़म से एक छोटा हिस्सा है महमूद दरवेश का, अंडर सीज। हेयर ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स फेसिंग द डस्क एंड द कैनन ऑफ टाइम क्लोज टू द गार्डन्स ऑफ ब्रोकन शेडोज वी डू व्हाट प्रिजनर्स डू एंड व्हाट द जॉबलेस डू वी कल्टिवेट होप। तो ये उम्मीद ही है और उम्मीद के साथ में कुछ कुछ काम है। आखिरी सवाल ये पूछूंगा शिराज भाई मैं कि कई सारे लोग हैं जो कि अब मर्चेंडाइज बना रहे हैं, मग्स हैं, किताबें हैं, टोट बैग्स हैं, और कई सारे शायरों के भी वो काम जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। शुरू आपको लगता है कि आपने किया था एक तरह से? देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि एक बार हम रेडियो में कहीं इंटरव्यू दे रहे थे, तो ऑल इंडिया रेडियो इधर, तो उसमें वो साहब जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल आपका अछूता बिल्कुल नया आइडिया तो एक तरीके से नहीं है अगर कहें तो। तो मैंने कहा हाँ साहब बिल्कुल ऐसा अछूता या इकलौता आइडिया तो नहीं है ये, लेकिन आप ये समझें कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं मेरा दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाप वगैरह कोई भी नहीं है, बच्चा ठीक कह रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आदमी और औरत होंगे जिस के ज़रिए ये बच्चा यहाँ पे मौजूद है। तो एक अछूता अलग आइडिया कुछ इस तरीके की चीज़ है कि कहीं से तो वो रास्ता होके आ रहा है। हमसे पहले भी बहुत सालों में
पहले जो है लोगों ने अलग अलग काम किए हैं राइटर्स और पेंटर्स के, सॉरी राइटर्स के ऊपर, और यही है कि हम जो है अपने वक्त में इस पे से धूल हटाने का काम कर रहे हैं अपने अंदाज से, तो वो है कोशिश। और फिर ये भी है कि बहुत सारे लोग इसका, क्योंकि एक वो भी पहलू है ना कि जब लोग देखते हैं कि हम फलां स्टॉल पे गए और भीड़ है इतनी सारी, तो अच्छा दिस इज़ समथिंग सेलिंग, सो वो उसको हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अब वो जो कॉपी करने का सीन है उसके अंदर जो है वो उसमें वो जेन्युइनिटी जो है वो थोड़ी दाएं बाएं हो जाती है, तो वो हल्का लगता है जो भी काम सामने आता है। और सेलिंग हमारी प्रायोरिटी ऐसा है रहा नहीं है कभी, तो हम बहुत सारे ऐसे पोएट्स राइटर्स और उनके ऊपर भी काम करते हैं जो जिस बिना परवाह किए कि ये कितना सेल करेगा या नहीं। जैसे इवन ये जो दूसरे कैलेंडर्स हैं या इवन फिलिस्तीन का कैलेंडर्स हैं या पोस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोएट्स और राइटर्स आपको दिखेंगे जिनको नॉर्मली लोग जानते नहीं, हाँ, तो फेमस नहीं जी, तो ये एक वो रहा है मामला। और ये इंडस्ट्री जो है, क्योंकि पब्लिशिंग से भी जुड़े हुए हैं जी, अभी तक जो आपने काम किया है इंडस्ट्री में रहते हुए, आप बुक फेयर में स्टॉल लगता है, रेख्ता में लगता था, अब शायद नहीं लगता जी, तो कैसा ट्रीट करती है आर्टिस्ट को ये जो लिटररी और बिजनेस वाली जो इंडस्ट्री? हाँ, उसमें दोनों तरीके के लोग आते हैं, कि वैसे लोग भी आते हैं कि वो मतलब यही है ना कि अगर किसी ने उस पर गीत लिखा है तो वो कभी कभी लोग वो कागज़ का और पेन के कीमत से उस गीत की कीमत को समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो इतना 8 रुपए का हो गया ये तो ये हमारे साथ भी कई बार हुआ है, और उसमें जो है बड़े सब्र से हम काम लेते हैं उस टाइम पे। और ऐसे लोग भी आए हैं जो मतलब देख के बस वो आंखें भर आई हैं, कुछ नहीं बोल पाए हैं, और बहुत दिलचस्प किस्म के लोगों से मुलाकात हुई है उसमें, और जितना लोगों ने सपोर्ट किया है और मोहब्बत दी है ख्वाब तना के काम को, तो उसके तो हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं।